कन्नौज के सदर कोतवाली स्थित पुलिस अधीक्षक आवास के पास पुलिस लाइन परिसर में कन्नौज व मैनपुरी की पुलिस में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि एक अन्य व्यक्ति का भी हाथ टूट गया। इस खूनी संघर्ष के पीछे 1.5 लाख रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। मामला पुलिस विभाग से जुड़ा होने के कारण जिले के पुलिस अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं। मैनपुरी पुलिस और कन्नौज की आप सब लड़ी लेन देन का ही विवाद है। अभी दो सिपाही इंजर्ड होके आए हैं, कांस्टेबल राहुल कुमार हैं और कांस्टेबल सुधीर कुमार, इनको चोटें आई हैं, उसकी मुआयना किया गया है, चोटें साधारण हैं और सुधीर कुमार हैं उनको एक चोट है जिनका एक्सरे टेस्ट किया गया है और बाकी इंजरी सिंपल है।